Gopikanandana Gopala Krishna. पर एक हिंदुस्तानी डॉक्टर को क्यों मार दिया तुम लोगों ने? ये सिर्फ एक हिंदुस्तानी डॉक्टर की मौत नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए अबू नजीर का फतवा है। फिर अबू नजीर सामने आता क्यों नहीं? छुप के क्यों रहता है दुनिया से? अबू नजीर को जिहाद लड़ने से मतलब है, तुम्हारे सामने आने से नहीं। जहां में करोड़ों सिपाही है जो अबू नजीर के एक हुक्म पे सामने आ जाएंगे। अगर तुम लोगों के पास करोड़ों सिपाही है तो इन बच्चों को जंग में क्यों ढकेल रहे? ये बच्चे नहीं, जंगे आजादी में अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले जाबा सिपाही हैं। ये तारिक। हाँ भाई। शहीद क्यों ना चाहते हो? जो काफिरों से लड़ते हुए शहीद होते हैं उन्हें जन्नत नसीब होती है। क्या तुम जानते हो जन्नत क्या है? हाँ, वहां बिना मांगे बिरयानी मिलती है, जितनी खा सको उतनी।
ये टेप, ये अबू नजीर का नया बयान है, दिखाओ इसे अपने टीवी चैनल पर, तुम्हारी हुकूमत हिल जाएगी। वो टेप का है, वो वहां गिर गई। खत्म कर दो इन काफिरों को। नमस्कार, मैं हूं विकास सागर और आज तक पे आपका स्वागत। आज के मुख्य समाचार, अबू नाजर इंटरनेशनल टेररिज्म का सबसे खतरनाक चेहरा है जिसके इशारे पे दुनिया भर में बॉम्बिंग्स की जाती है, सुसाइड अटैक्स होते हैं। अबू नाजर का टारगेट ज्यादातर अमेरिका, इसराइल और उनके एलाइज हुआ करते थे, पर उनके लेटेस्ट वीडियो टेप स्टेटमेंट पर अबू नाजर ने इंडिया को भी धमकी दी है। आज हमने पूरे हिंदुस्तान को इत्तलाक कर दिया है, कश्मीर छोड़ दो वरना हिंदुस्तानी अपने आप को देश के किसी भी कोने में महफूज नहीं रख पाएंगे। ये पहली बार है कि अबू नाजर की कोई भी टेप अल जौहरा के अलावा किसी चैनल पे दिखाई जा रही है, सिर्फ आज तक पर। मिस्टर विकास सागर की गैर हाजिरी में ये कोर्ट उनके वकील की सभी ऑब्जेक्शंस को ओवर रूल करती है और मिसेज अंजलि सागर को तलाक की मंजूरी देती है। बेटा मैंने कहा था तुम्हें। डंबो, अब बहुत देर हो चुकी है विकास। You're the most selfish human being I've ever met in my life। नहीं अंजलि, नहीं। मैंने आज तक जो भी किया, सिर्फ हम दोनों के लिए। इसीलिए अलजोरा में तुमने जॉब ले लिया, मुझसे पूछा भी नहीं। पर वो तो सिर्फ 3 महीने का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है अंजलि, उसके बाद तो यही रहना है। टेररिस्ट का माउथपीस बनकर? नो विकास, नो। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? How does it matter? कि तुम जॉब कहाँ करो? तुम घर पे तो कभी रहते ही नहीं। पर तुम भी तो जर्नलिस्ट हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, पर तुम तो कभी मेरे लिए 1 घंटा घर जल्दी आने को भी तैयार नहीं थे विकास, और आज भी लेट आए तुम। I'm really sorry अंजलि, I'm really sorry। No, no. Vikas Sagar, India's number one TV journal. Born in Mumbai, education, the Lawrence School, Sanar, IIT Satapa, computers. Pahla job, trainee reporter in the Times of India. Uske baad, television news. The pleasure's all mine, Mr. Osisan. Soldier turned journalist. Pahla job, Turkish Commando Force. Central Africa mein UN peacekeeping force ke saath lage. Marna, marna pasand nahi aaya. तो आर्मी छोड़कर CNN ज्वाइन कर दिया। फ्रॉम वॉरियर टू वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट। नहीं ऐसा नहीं है, पर आप जर्नलिस्ट कश्मीर का नाम तभी लेते हैं जब वहां पे कुछ बुरा होता है। तो आप कहना चाहते हैं कि यहाँ ब्लास्ट, अटैक्स और आर्मी अट्रोसिटीज के खिलाफ कोई पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं होते? होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। पिछले 2 सालों में 3 गुना ज्यादा अब टूरिस्ट स्टेट में आना शुरू कर गए। हजारों करोड़ों में अब इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन जब तक वहाँ पे धमाके या ब्लास्ट नहीं होते तब तक आप लोगों के लिए सेंसेशनल न्यूज बनती ही नहीं है। अलजोहरा की नई टेप के बारे में आपका क्या कहना है? कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही है और ऐसे हालात में अलजोहरा का ये टेप आना, इट सेंड्स आउट अ वेरी ओमिनस रिंग। I'm sorry, आप क्या? It's okay. जैसा मैं कह रहा था, आप ले ही लीजिए। It could be an important call.
I'm really sorry. Go ahead. क्या बात है विकास, मैं बिजी हूँ। इस्तांबुल पहुंच गया हूँ। मैसेज अपने अमेरिकन दोस्तों तक पहुंचा देना। जी, ओके सर। ड्यूटी पे शहीद हो गए थे, न्यूज लेने गए थे, खुद न्यूज बनकर आ गए। इट हैपेंस ओनली इन अल जोहरा, सो वॉच आउट। मिस्टर गजनी से अपना हॉल ऑफ मार्टर्स कहकर बुलाते हैं। तुम्हारे पास अपना फोटो तो होगा ना? क्यों? नेक्स्ट। आई एम किडिंग, ही इज इन द ऑफिस, यू वांट टू मीट हिम? श्योर, एज़ लॉन्ग एज़ माय फोटो डजंट हैव टू बी अप देयर। यू नेवर नो, इट मे बी मी नेक्स्ट। मिस्टर गजनी, विकास सागर। वेलकम टू अल जोहरा विकास। थैंक यू। दिस इज माई चीफ ऑफ सिक्योरिटी। हेलो हेलो जहीर, हैव अ सीट।
बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। कहते हैं इंडिया में कोई मानता ही नहीं कि कुछ हुआ है जब तक विकास सागर न्यूज ना दे। कहते तो यह भी है कि जब तक अल जौहरा न्यूज कवर करने ना पहुंचाए तो टेररिस्ट बॉम्ब फोड़ते ही नहीं। हर चीज का एक दूसरा साइड होता है विकास, और वही हम दुनिया को दिखाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम अबू नजर को सपोर्ट करते हैं या टेररिज्म को ग्लोरीफाई करते हैं। हाँ, पर हम वहां जाते हैं जहां कोई और नहीं जा सकता। वो न्यूज देते हैं जो कोई और नहीं दे सकता। हमारे इंडिया ऑपरेशन एक बहुत बड़े स्केल पर होने वाले हैं। एंड आई एम श्योर यू डू अ टेरिफिक जॉब। थैंक यू सर। अच्छा ओवेज, कल तुम अफगानिस्तान जा रहे हो। अफगानिस्तान? जो वेस्टर्न जर्नलिस्ट किडनैप हुए हैं। वी गॉट एन एक्सक्लूसिव। कैन आई गो टू? वाओ, आते ही डेंजर से खेलना चाहते हो? वेल, वी लव दैट हियर एट अल जौहरा। इन्हें ऑफिस दिखा दो और 13th फ्लोर के बारे में बता दो। 13th फ्लोर? वहां क्या है? 13th फ्लोर जाहिर का डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। वहां किसी को भी जाना अलाउड नहीं, इसलिए अलग ही लिफ्ट वहां जाती है जो हैंड प्रिंट मांगती है। ये टीवी चैनल है या CIA हेडक्वार्टर्स? डोंट बी सो शॉक्ड विकास, बस ये समझ लो कि जो 13th फ्लोर पर होता है उसी की वजह से हम सब जिंदा हैं। मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर गजनी। अल जौहरा ने सारी दुनिया में बहुत से दुश्मन बना लिए हैं। अब हमारे दुश्मन तुम्हारे दुश्मन है विकास। आई होप अगर नए दुश्मन है तो नए दोस्त भी बनेंगे। ऑफ कोर्स। नाउ दैट वर्क्स डन, लेट्स पार्टी। नींद भी नहीं आती। तुम रोज मेरे बेडरूम में आते हो और जानते भी नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके बेडरूम में। World, hold on. Na 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 na. मैडम आपका घर आ गया। World, जल्दी आ गया। Hold on. कॉफी पीने ऊपर आना चाहोगे? लेकिन फिर नींद भी नहीं आएगी। सोने की बात कौन कर रहा है विकास? मैं भी होश में रहने की बात कर रहा हूँ। I like you, Lisa. Really? पर हमारे रास्ते अलग हैं। तुम आगे जाना चाहती हो और मैं Hold on! Good night, bye, see ya, take care. विकास अब भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। स्टेडियम वहाँ पे क्या कोई फुटबॉल मैच होने वाला है? वहाँ पर दूसरा ही खेल होता है जनाब, देखकर बड़ा मजा आएगा। फुटबॉल मैच के बारे में पता नहीं, लेकिन अबू नजीर के आदमी वहाँ मिलने वाले हैं। कम ऑन सिरान। Back off!
my freaking children! Back off! Hey! मरने का बहुत शौक है जो बार बार चले आते हो। बहुत खेल हो गया, अब काम की बात कर ले। खोलो। Al Jawhara News Network. Firstly, we'd like to know how long you've been held hostage here, and is there any message you'd like to give any of your embassies? Yes, we've been here for 4 days. We just don't know what to do. We really need your help. Yeh Abu Nazir ka paigham hai. Duniya ke sare mulkon ke liye. Fateh hamari hogi. Abu Nazir ka keher aasman se aag bankar dushman ke sheher par girega. Kaun sa sheher? Kaun se sheher ko nishana banana chahte hain? बहुत जल्द तुम्हें और बाकी सब काफिर को पता चल जाएगा कि इराक और अफगानिस्तान पर हमले के लिए अबू नसीर कैसे इंतकाम लेता है। तुमने क्या सोचा था जिसके लिए हजारों लोग अपनी जान कुर्बान करते हैं उसके खिलाफ गद्दारी करके तुम बच जाओगे? कतारी का एक ही अंजाम है मौत। Thank you.
हुसैन अल जौहरा का सबसे अच्छा जर्नलिस्ट था, पर उससे ज्यादा और पहले हम सबका दोस्त था। सच का एक वफादार सिपाही था जो शहीद हुआ है। सच का जुनून ही उसे अल जौहरा में लेकर आया। सच की तलाश में वो अफगानिस्तान के मैदान जंग में बेखौफ होकर गया, और आज जब वो अल्लाह ताला से मिलने गया है, तो सिर्फ सच उसके दिल में है। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अल जौहरा के उसके तमाम साथियों की तरफ से हम कसम खाते हैं कि हॉल ऑफ मार्टर्स में उसकी तस्वीर एक जिंदा मिसाल बनकर रहेगी। अल जौहरा तुम्हें हमेशा याद रखेगा ओवेज हुसैन, और दुनिया को हम भूलने नहीं देंगे। मिस्टर सागर, योर लाइफ इज इन डेंजर। A little careful, Mr. Sagar. यहां जरा सभी ध्यान हटा तो जान भी जा सकती है। तुम हो कौन और मेरा नाम कैसे जानते हो? ये वाला मैं ये भी जानता हूं कि ओवेज हुसैन को क्यों मारा गया। टेररिस्ट किसी को क्यों मारते हैं? क्योंकि वो टेररिस्ट है। तुम्हें क्या लगता है ओवेज हुसैन अकेला अल जौहरा का रिपोर्टर था जो मारा गया? मतलब इमरान बेग, सीनियर रिपोर्टर, लेबनान के कार बम में मारे गए। जावेद खान और एजाज अहमद बगदाद की होटल की छत से सीधा नीचे, और खुर्शीद आलम को तो चाय में जहर मिलाकर मार दिया गया। ये सब अल जौहरा के रिपोर्टर्स थे, और सब अल जौहरा छोड़ना चाहते थे, पर अफसोस अब तक वहीं लटके हुए उनके हॉल ऑफ मार्टर्स में। लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ओवेज हुसैन भी अल जौहरा छोड़ना चाहता था, उसने तुमसे कहा था ना। तुम अल जौहरा छोड़ने वाले हो? ऑफ कोर्स। लेकिन बॉस को बता दिया? बॉस को बताने की क्या बात है यार, सारे मिलते नौकरी पर आना ही छोड़ दूंगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा। जब भी किसी रिपोर्टर ने अल जौहरा छोड़ना चाहा है, वो दुनिया छोड़ गया, और अब भी उस हॉल ऑफ मार्टर्स में बहुत जगह बाकी है मिस्टर सागर। लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? अल जौहरा वो नहीं जो तुम समझ रहे हो विकास। hey, विकास, अकेले क्या कर रहे हो वहां? मैं अकेला गाऊ मैं तो कमान आप इन आई थिंक यू फॉर राइट कमान या ओके Maybe me.
Jora correspondent dead in car bomb explosion. Car bomb se mare, kidnap karke sar kaat diye gaye. Par sab mein sirf ek baat common hai. Sab Al Jora reporters the. Aur sab ke sab mare ja chuke hain. Wo jo bhi tha, sahi keh raha tha. Itne dhyan se kya dekh rahe ho? Horoscope. Kya likha hai? Abroad jaunga, acha job milega. जल्दी प्रमोशन होगी, नए दोस्त भी बनेंगे, रोमांस का भी चांस है सर, सब कुछ माइंड ब्लोइंग, मेरा तो गोल्डन पीरियड चल रहा है। yeah? बस यही सोचता हूँ कि थोड़ा सा लक मैं ओएस को दे देता तो। ओएस को अपने सामने मरता हुआ देखकर तुम्हें बहुत बड़ा शॉक लगा है, मैं समझ सकता हूँ। ओएस हमारा भी हीरो है, मैंने उसकी फोटो हॉल ऑफ मार्टर्स में लगा दी है। सी यू अराउंड। विकास को कुछ पता है सर, मेरे इंडिया ऑपरेशंस मेरे लिए बहुत जरूरी हैं ज़हीर। किसी भी तरह उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई नीड हिम। यस सर। आतंकवादियों से समझौता करने की कोशिश में लगी हुई है। बस के अंदर 50 से भी ज्यादा किडनैप पैसेंजर्स, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उनके पीछे छिपे हुए टेररिस्ट। क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं? इसका पता नहीं लगाया जा सका है। मैम पीछे देखिए, फॉलो मी। हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों फोन करते हो? अंजलि लिसन टू मी, वो टेररिस्ट है, मैंने उसे देखा है। कहाँ? टीवी पर? नहीं यार, अल जौहरा की ऑफिस में, इस्तांबुल में। विकास, यू मस्ट बी मिस्टेकन, क्या बात कर रहे हो? अंजलि, मैंने कोई गलती नहीं की उसे पहचानने में, प्लीज वापस जाओ प्लीज। विकास, मेरे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी मेरे सामने है, यहाँ दुनिया भर के जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, और तुम कह रहे हो कि मैं वापस जाऊँ? फॉरगेट योर फ्रीकिंग स्टोरी एंड लिसन टू मी अंजलि, कम कुछ होने वाला है तो प्लीज स्टॉप। अंजलि प्लीज स्टॉप। स्टॉप गॉडडैमिट, प्लीज स्टॉप अंजलि। सवाल तो बहुत होंगे तुम्हारे जहन में विकास सागर, लेकिन इस सारी दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है, मैं। तुम अंदर कैसे आए? गलत सवाल विकास, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं, पर तुम सही सवाल तो पूछो।
अब ये मत पूछना कि मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या जानता हूं, सब कुछ। और ये भी मत पूछना कि मैं तुम्हें अपने बारे में क्या क्या बताऊंगा, कुछ नहीं। हाँ, मैं तुम्हें अपना नाम जरूर बता सकता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? रिजवान, रिजवान खान। अब ये पूछो कि वो कौन लोग हैं जो तुम्हारी बीवी को मारना चाहते हैं, क्योंकि अगर तुम सही वक्त पर फोन नहीं करते विकास, तो वो नहीं बचती। अगर कुछ बताना है सीधे सीधे बताओ। गुस्सा करना अच्छी बात है, पर गलत इंसान पर गुस्सा निकालना अच्छी बात नहीं विकास। ये देखो, इनमें से कुछ को तो तुम जानते ही होंगे, दुनिया के अलग अलग देशों के मोस्ट वांटेड लोग हैं, फ्रीडम फाइटर्स, यही कहते हैं अपने आप को, रेबल्स, रेडिकल्स, बुलशिट। सच बात तो यह है कि ये सारे के सारे टेररिस्ट हैं, और ये सारी की सारी मोस्ट वांटेड लिस्ट आपके अल जोहरा ऑफिस में आते जाते दिखाई देते हैं। What are you saying? कि ये सब अल जोहरा ऑफिस में? लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूं विकास, लेकिन अब भी बहुत कुछ है जो मैं भी नहीं जानता। लेकिन तुम पता कर सकते हो वहां जाकर जहां मैं भी नहीं पहुंच सकता। ऐसी कौन सी जगह है? अल जोहरा के थर्ड हमने न्यूज टीवी पर देखी, मिस्टर गजनी ने यह पता लगाने भेजा है कि आप ठीक हैं। मिस्टर गजनी से कहिए कि अगर उनको मेरी इतनी फिक्र थी तो फोन कर लेते। फोन लग नहीं रहा था। मिस्टर गजनी ने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी है कि आपकी वाइफ बच गई। मिस्टर गजनी से कहिए कि मैं उनका बहुत आभारी हूं, लेकिन इस समय मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। अल जोहरा तो नहीं जो तुम समझ रहे हो विकास। किसी रिपोर्टर ने अल जोहरा छोड़ना चाहा है, वो दुनिया छोड़ गया। तुम अल जोहरा छोड़ने वाले हो? लेकिन बॉस को बता दे। सारी मिलते आना ही छोड़ देना, खुद बखुद पता चल जाएगा। रिपोर्टर ने अल जोहरा छोड़ना चाहा है, वो दुनिया छोड़ गया। टेररिस्ट का माउथपीस बनकर योर लाइफ इज इन डेंजर, और ये सारी की सारी मोस्ट वांटेड लिस्ट आपके अल जोहरा ऑफिस में आते जाते दिखाई देते हैं। 13 फ्लोर के बारे में बता दो, वहां किसी को भी जाना अलाउड नहीं। एक्सक्यूज मी, आई नीड टू गो अपस्टेयर्स, कैन यू हेल्प मी? मिस्टर गजनी से अपना ऑल ऑफ मार्टर्स कहकर बुलाते हैं। कोई चला गया। सिक्योरिटी 13 फ्लोर के लिफ्ट में, जल्दी जाओ ऊपर, सिक्योरिटी जाओ। स्टॉप, ओके स्टॉप, ओके स्टॉप, ओके। क्या करने गए थे 13 फ्लोर पे? ऐसे क्या है 13 फ्लोर पे जो तुम चाहते हो कि मैं नहीं देखूं? प्राइवेट लिफ्ट के अंदर गए कैसे? वो लिफ्ट गलती से किससे बना रहे हो विकास सागर? क्या करने गए थे वहां बताओ? होटल में याद आ गया? हाँ याद आ गया। हाँ वो लिफ्ट का
ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? ऐसा क्या जानते हो तुम उनके बारे में? मैं बस किसी सोच में खोया हुआ था, गलती से उनकी प्राइवेट लिफ्ट में घुस गया और फिर उन सबकी पिछवाड़े में आग लग गई। गलती से? तो ये तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं विकास। ऐसा क्या देखा तुमने? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अरे कुछ नहीं देखा यार, बस भी बात देखने लायक था क्या? हाँ, क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा? शिट विकास, वो हमारे पीछे ही है। For the last time, for heaven's sake, विकास, तुमने 13th फ्लोर पर क्या देखा? 13th फ्लोर? तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? और मैंने तुमसे कब कहा कि मैं 13th फ्लोर पे उतरा था लीसा? Oh shit! This sword, विकास! Leave the car. Leave the car now. तुम 13 फ्लोर के बारे में कैसे जानते हो? भूल जाओ विकास, इन लोगों को मैं हैंडल कर लूंगी। सड़क के उस पार तुम्हारे लिए एक कार वेट कर रही है। सेव योर लाइफ, ट्रस्ट मी विकास, जस्ट गो। गो विकास, गो। जाओ जाओ, जल्दी करो। Good evening, Mr. Sagar. मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ पता है। You need to work on him a little more. मैंने तुम्हें कहा था ना, 13th फ्लोर पर किसी का भी जाना मना है। क्या 13th फ्लोर? वो लिफ्ट मैलफंक्शन थी, अपने आप खुल गई। वरना इस अकल के दुश्मन बाउंसर को भी पता है कि हैंडप्रिंट के बिना उस लिफ्ट में कोई घुस ही नहीं सकता। जहीर कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था। लेकिन ऐसा भी क्या है 13th फ्लोर पे सर, जो मुझे इतना मारा गया? वी आर ओनली अ गॉडडैम टीवी चैनल मिस्टर गजनी। ये तरीका है? विकास इज नॉट ओनली अ सीनियर एम्प्लॉई, बल्कि वो हमारा मेहमान भी है। ऐसे पेश आते अपने मेहमान के साथ? इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा इसे। आई एम सॉरी विकास, इट्स जस्ट दैट हम सिक्योरिटी को लेकर जरा एक्स्ट्रा केयरफुल हैं, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड टू ओवेज। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अमेरिकन्स का दिया हुआ सुविनियर अफगानिस्तान में वॉर कवर कर रहा था, क्रॉस फायर में मुझे भी गोली लग गई। गोली अब भी अंदर है। एनीवे, कल से काम शुरू करें। सी यू एट द ऑफिस मिस्टर सागर। ओके मिस्टर गजनी, टेक केयर।
सब खैरियत? बस अल्लाह का करम। बग्स लगा दिए सर। कैमरा टीम्स को भी 24/7 सर्वेलेंस पे लगा दो। उसके निकलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है। राइट सर। उसके सोचने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो क्या करने वाला है। अगर वो पलक भी झपके हमें पता होना चाहिए। जी सर। गो। Sir, is there anything missing? Everything is missing. My passport, my document, my money, everything. रिजवान खान, टॉल गाय, लॉन्ग हेयर। गेट मिस्टर गजनी टू कमांड सेंटर नाउ, इट्स एन इमरजेंसी। या वी वर हैविंग टी एट द टेबल देयर यस्टरडे, ही वाज सर्विंग अस। डू यू नो हिम? नो, आई डोंट नो हिम। इफ ही कम्स बैक, कुड यू टेल हिम टू कॉल मिस्टर विकास सागर? या थैंक यू। क्या हुआ? अभी अभी विकास को बात करते हुए सुना है। रिवाइंड। हाय, डू यू नो अ रिजवान खान, टॉल गाय, लॉन्ग हेयर? रिजवान? और विकास उसे कैसे जानता है? रिजवान इस्तांबुल में और तुम्हें पता भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? हम शुरू से विकास सागर पर नजर रखे हुए, उसे रिजवान से मिलते हुए कभी नहीं देखा। उसके पीछे रहो, मुझे देखना है विकास किससे मिलता है। कह रहा हूं वो करो, ये पहनो। वेयर दिस क्लोज क्विक। लेकिन क्यों? गिव मी अ शू। जूता दो। गिव मी अ शू मैन, जस्ट ट्रस्ट मी। ट्रैकर 1000 yard रेंज, वो लोग पास में ही होंगे। हरी अप, क्विक क्विक। वो कार्बेज स्टोर में है। गो देयर यू इडियट्स। टू लेट। you
ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे आदमी पिट रहे हैं। तुम्हारा मतलब है कि विकास ये सब अकेला कर रहा है? विकास नहीं, सारे कैमरास डेड है सर। बग्स तो लगे होंगे, मुझे उनकी आवाज सुननी है सर। वो व्हाट व्हाट सर, उन्होंने बग्स भी हटा दिए। May 22, 2005 टर्की में ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में 100 घायल और 6 लोग मरे। उन 6 में मेरी बीवी और मेरी छोटी सी बच्ची की जान गई। उस दिन टर्की ने टेररिज्म पर जंग छेड़ दी और उस जंग का पहला सिपाही बना मैं। मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि उस ब्लास्ट के पीछे अबू नाजिर का हाथ था। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी फैमिली के साथ ये हुआ, पर इसमें अलजौरा का क्या हाथ है? और तुम अबू नाजिर को टर्की में क्यों ढूंढ रहे हो? मैं अबू नाजिर को नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि अबू नाजिर तो मर चुका है। अबू नाजिर को तो हम अभी भी टीवी पे देखते हैं। Don't you find that strange? अबू नाजिर वर्ल्ड टेररिज्म का एक नाम था, एक चेहरा। असलियत तो ये है कि उसके मरने से पहले भी उसके पीछे कुछ लोग, एक नेटवर्क था जो सारी प्लानिंग करते थे, और आज उसके मरने के बाद वही नेटवर्क, वही लोग उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब अल जौहरा और वो टेप्स? 13th floor. Holy shit. Yep. So basically, Mr. Sagar, वो लोग कौन कौन से पुरानी टेप्स को re-edit कर करके नई फुटेज बनाते हैं, कौन से स्पेशल इफेक्ट्स, कौन से कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज करते हैं, वो लोग किस तरह अलजौहरा के ऑफिस के अंदर से सारी दुनिया में बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करते हैं, टेरर अटैक्स प्लान करते हैं, ये सारी डिटेल्स तुम्हें जहीर के कंप्यूटर्स पे मिलेंगी। 13th floor. तो तुम क्यों नहीं जाकर ले आते? वैसे भी भूत की तरह आते हो और भूत की तरह चले जाते हो।
क्योंकि मुझे डर लगता है। क्या? दुनिया में सिर्फ एक चीज है जिससे रिजवान डरता है, वो है कंप्यूटर्स। पर तुम तो कंप्यूटर्स एक्सपर्ट हो ना, तुम ये काम कर सकते हो। मेरे जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो मैं ही क्यों? हाँ, बहुत एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन कोई पागल थोड़ी है ये काम करने के लिए। वेयर इज यू माय फ्रेंड, हैव नो चॉइस। तुम तो मरोगे विकास, ऐसे भी वैसे भी। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें छोड़ देंगे? विकास, अल जोहरा जब भी किसी देश में अपना ऑफिस खोलता है तो वहां टेररिज्म बढ़ने लगता है। इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अब उनका अगला टारगेट इंडिया है। अब वो तुम्हारे देश में तुम्हारे मासूम बच्चों को अपने बॉम्ब्स का शिकार बनाएंगे। बस एक तुम ही हो जो अपने देश को बचा सकते हो, विकास। मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। गेल्डन दोस्तों, वेलकम टू माय होम। पर तुमने तो कहा कि तुम कंप्यूटर्स। दैट इज योर ऑफिस। एंड दैट इज माय ऑफिस। आई लाइक योर ऑफिस बेटर। आई एम ग्लैड यू डू बरी, बट Let's get to work first, huh? Let's save the world. Pen drive X series. इसमें हैकिंग सॉफ्टवेयर जो उनके सिक्योरिटी पासवर्ड्स और कंप्यूटर कोड्स के पार पहुंचा सकता है। Really? सारा डेटा डाउनलोड करने के बाद ये उनके नेटवर्क्स में अपने आप एक वायरस छोड़ देगा। और ठीक 5 मिनट बाद उनके सारे डिस्क साफ। ये चलो वो काम तो ये कर देगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें हमें 13th floor तक पहुंचाना होगा। उसके बारे में क्या? पहुंचा दूंगा। इसमें 3 problems हैं। Problem number 1, बिल्डिंग के बाहर 20 armed security guards with automatic weapons। Problem number 2, बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी चेक्स, मेटल डिटेक्टर्स एंड मोर आर्म्ड गार्ड्स। Problem number 3, ऊपर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जहीर एक छोटी सी आर्मी के साथ तुम्हें वेलकम करने के लिए खड़ा होगा। वेट अ मिनट, हैंड प्रिंट। थर्टीन फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट में घुसेंगे कैसे? नो प्रॉब्लम। इनसे मिलिए मेरे दोस्त। 13th floor की सारी सिक्योरिटी इसी के हाथ में है। मेरी गर्दन भी काट दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अबे साले, अगर मैं तेरी गर्दन काट दू तो तू वैसे भी कहां से बताएगा? हाँ? मेरी आंखें निकाल लो, जबान खींच लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुझे। अच्छा रिजवान, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? मिस्टर सागर, विल यू लेट मी डू माय जॉब? बाहर जाके इंतजार करो मेरा, नाउ। मुझे खोल के देखो, मेरा भी हाथ चल सकता है। हाथ तो तेरा भी चल सकता है,
थैंक यू। रिजवान, आर यू फ्रीकिंग मैड? उसी ने तो कहा था उसका भी हाथ चल सकता है, चलें। पर अगर ये गलत हाथ हुआ तो? अंदर कैसे घुसेंगे? You serious? Why am I not surprised? जाओगे या ऊपर? Come on, Vikas, show them what you got. What the hell just happened? Security breach, sir. वो लोग 13th floor के computers तक पहुंच गए हैं। गोली चलानी किसने सिखाई? जिसने तुम्हें कंप्यूटर चलाना सिखाया है, जल्दी करो। हो गया विकास। न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई अब हमारे निशाने पे है, तबाही के लिए तैयार। और कितना टाइम? Let's go. What the hell is happening? Pen drive में डेटा डाउनलोड हुआ है सर। कितना? सब कुछ। सर उन्होंने हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में कोई वायरस डाल दिया है सर। जल्दी
नहीं रिजवान, ये उनके साथ है। अबे अभी जान बचा रही है तो चलना, मैं हूं ना। अभी कहाँ है? Escaped. Look at this. External cameras ने कुछ कैप्चर किया है। Zoom in. Lisa? जिस कुतिया को तुम पालते रहे, उसने तुम्हें ही काट लिया। I'll kill that bitch. थैंक यू। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम हो कौन? वरना ये पेन ड्राइव मैं पानी में फेंक दूंगा। नहीं विकास, मैं गजनी के यहाँ शामिल हुई उसकी असली कामों का पता लगाने के लिए। इनफैक्ट मैंने तुम्हें धोखा दिया कि मैं उसका भरोसा जीत पाऊँ। मैं रॉक के लिए काम करती हूँ, रिसर्च एनालिसिस विंग, इंडियन आर्मी। तुम रॉक के लिए काम करती हो? गिव मी अ ब्रेक लीसा प्लीज। विकास, इस बार मैं सच बोल रही हूँ। इनफैक्ट मुझे रॉ ने कहा था कि मैं तुम्हें रिक्रूट करूं। मुझे रिक्रूट करने? इसे? लड़ने के लिए नहीं। विकास, हमें अलजोरा पर पहले से ही शक था, पर उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा था। और तुम अलजोरा के इंडियन ऑफिस से हमें काफी प्रूफ दे सकते थे, पर अब तो तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया है। वो पेन ड्राइव मुझे दो। सॉरी लीसा, वो पेन ड्राइव मैं सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को दूंगा। We got company, baby. Check it out. Hold up. Shit. क्यों? डर लग रहा है? डर के आगे जीत है। Yeah, baby. Let's rock it. याद रखना, हमें ये सब जिंदा चाहिए, डिस्क मिलने तक। Let's go.
Not bad, Vikas. I'm proud of you. Yeah. तुझे ही देख के सीखा. That kick was pretty. I like that. Yeah. Punch. Yeah, yeah. Okay, okay. Was, हमें टर्की से निकलना होगा. एक घंटे में. Call me. Anytime. The president's waiting for you, Thank sir. Thank you. Come in. I'm very busy, Reed. This is my first trip to India. What's so important? It's the turkey situation, sir. Turkey? Do we have some kind of shortage? Not the birds, sir, the country. Oh. It seems some Indians have been involved in the attack on the Al Johara building. Indians? What are Indians doing in Turkey, for Christ's sake? They're everywhere. So they are. The other day I spent 2 hours talking about the Afghan problem with the Indian ambassador. Anyhow, I thought he was the Indian ambassador. Turned out to be the governor from South Louisiana. If the Indians harm our interests in any way, do I have your permission to terminate? No, Reed. We can't be going after Indians too, goddammit. Who's left? I realize that, sir, but we have to stop the truth from getting out. No buts, Reed. We don't interfere in foreign countries. Unless, of course, we're going to invade them. Are we going to invade Turkey? No, sir. Then leave me alone. I've got to practice saying Manmo Han Singh before I get to Delhi. मेरे सामने आने से पहले तू मर क्यों नहीं गया हरामजादे? मुझे इज्जत दीजिए सर. मैं देता हूं इज्जत. मैंने पहले भी कहा था ये गोरिल्ला वॉर है, पालतू कुत्तों का काम नहीं. मैं लेकर आता हूं तीनों को. नो, उन्होंने 30 लोगों को मारा तो क्या हुआ? मैं पूरे इस्तांबुल को उनके पीछे लगा दूंगा. I want my interview splashed on every TV channel, every newspaper, and every radio channel. Bir son dakika haberi. El Çora kanalı İstanbullu nüfusuna yönelik bir saldırı düzenlendi. Elimizde oluşan Rizvan, göre, ha. Tam da world famous o gün. Ve maddi hasarı milyon dolara var. That's us? Tahmin ediliyor. Güvenlik komisyonun görüntüleri saldırganların 3 kişi olduğunu belgeliyor. Ye sırf El Çora par nahi. पूरे मीडिया पर फ्रीडम ऑफ द प्रेस पर एक अटैक है. इन लोगों ने मेरे सिक्योरिटी चीफ सहील और 15 गार्ड्स का मर्डर किया है. अल जोहरा में काम करने वाला हर शख्स मेरी फैमिली का एक हिस्सा है और मैं अपने भाइयों को किसी भी तरह इंसाफ दिलवाऊंगा. हमारे सिक्योरिटी कैमराज ने इन तीनों टेररिस्ट की फोटोज ली है. वी लुक गुड मैन. सी, मैं इस्तांबुल के सिटीजन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारी मदद करें इन्हें पकड़वाने में. जो भी हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उन्हें $1 million का इनाम दिया जाएगा. $1 million. What? सिर्फ 1 million? मैं नहाने जा रहा हूँ यार. यहाँ पूरी दुनिया हमारी पीछे पड़ी है और तुझे नहाने की पड़ी है. चल मैं आता हूँ. और हाँ विकास, फोन मत करना. ओके, I'll see you in a bit. विकास, cheers. तुम फोन तो नहीं कर रहे थे ना? हाँ. चेयर्स. ओके, एक्सरे मशीन. अब तक पुलिस इन तीनों का पता नहीं लगा पाई है, पर अनुमान है कि ये तीनों ही इस्तांबुल में हैं और जल्द ही पकड़े जाएंगे. इन पर इस वक्त $1 million का अवार्ड है, जिंदा या मुर्दा. हेलो अंजलि. विकास, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ हो तुम? तुम ठीक कह रही थी अंजलि, मैंने आके बहुत बड़ी गलती की. मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने. What? क्या? नहीं डंबो, नहीं, तुम वहाँ पर ही रहना. मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास. ओके,
Please trust me, Dumbo. Don't come here. Vikas, I really love you. But I can never trust you. Dumbo, meri baat suno, Dumbo. Don't board that plane, please. Cheer up, buddy. We still look good on TV. अच्छा सुन कोई फोन तो नहीं आया था ना? और तूने भी कोई फोन? What the? कैसे होने दिया तुमने? इससे तो हमारे प्लान्स कई साल पीछे हो जाएंगे। इसलिए टेररिज्म जो है ना, वो टेररिस्ट पर ही छोड़ देनी चाहिए। तुम जो भी हो, मेरी वजह से हो। बोलना मत। हमें बस वो पेनड्राइव चाहिए, और हमारा काम आसान करने के लिए उसकी बीवी खुद हमारे पास उड़कर आ रही है, समझे? Thank you.
this guy. He's in the bus. Yeah, we saw him. He's in the bus. Stop him. Stop the bus. The bus coming towards you. Fugitive is there. Terörist'i bulduk. Şu adamı bekleyin. Stop the bus. Stop the bus. Stop the bus. Dur, dur, dur. Stop the bus. Stop the bus. Cover it from the back. Open the door. ये सब क्या है? I'm sorry, Madam Ambassador, but I had no choice. Mr. Vikas Sagar, right? Yes, ma'am. Please अंदर चलिए. मैं सब समझाता हूँ. Drive. Volume control room. अरे बताइए अपन चुवा. वो सब सच है। अबू नाजिर मर चुका है। गजनी अपने फायदे के लिए अल जौरा नेटवर्क के जरिए उसे जिंदा रखना चाहता है। गजनी, आप जानते हैं आप तुर्की के सबसे रिस्पेक्टेड इंसान के बारे में बात कर रहे हैं? मैम, वो टेररिस्ट है और अब अपना टेररिस्ट नेटवर्क इंडिया में बनाने वाला है। आपको कैसे भी करके उसको रोकना पड़ेगा। देखिए मिस्टर सागर, आप इस वक्त एक फॉरेन कंट्री में हैं और आपके खिलाफ बहुत ही सीरियस चार्जेस हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आप जरा बाहर आएंगी? इट्स अर्जेंट। विकास,
मेरी एडवाइस तुमसे यही होगी कि तुम फिलहाल पुलिस को अपना काम करने दो और बाकी इंडियन गवर्नमेंट और मुझसे जो हो सकेगा हम जरूर करेंगे. नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट एंड प्लीज डू थिंक अबाउट व्हाट आई टोल्ड यू. इसी गलती का इंतजार कर रहे हैं. वो देखो उस तरफ, इस तरफ भी. अंजलि सागर, यस, वेलकम टू इस्तांबुल. आप भी विकास को ढूंढ रही हैं और मैं भी. व्हाई डोंट यू कम विद मी प्लीज. रिज़वान, नो विकास, उसे रोकना होगा. नो विकास. वजह से ले गए रिज़वान. विकास मेरी बात सुनो. विकास, अगर अब पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. अंजलि, हमारा मिशन सब कुछ. नाउ जस्ट काम डाउन. विकास, ये क्या हुआ? लुक एट मी विकास. मैं तुम्हें वादा करता हूं तुम्हारी अंजलि को कुछ नहीं होने दूंगा. I promise you, bro, we'll get her back. Now just trust me. Vikas, अब तक तो लीजा को हमें फोन करना चाहिए था. Hey, Lisa!
एलिसा, ये तुमने क्या किया यार? विकास, मुझे जो होना था हो चुका। मेरा फोन लो और राजवीर सिंह को फोन करो, वो तुम्हें इंडिया पहुंचा देंगे। Vikas, chalo. Come on, Vikas. I'm sorry. I have to get you out of here now. Now, Vikas, come on, let's go. Let's go now. Come on. लीसा ने कहा कि उनके बॉस को फोन करने के लिए। चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। हेलो, दिस इज विकास। आई नो, 10 o'clock, शेरेटन होटल, डोंट बी लेट। हेलो, उसने कहा कि शेरिटन होटल में मिलने। Get out of here.
I'm in no mood, Reed. What is it now? The Indians have information on a pen drive. I've said it before. Whatever you do, don't touch the Indians. Do you know how much we depend on their call centers? One mouse click, and our economy will be deader than cold turkey. Well, we'll be begging for aid from Cameroon. All right, Mr. President. We'll just get Gazni to do that job for us. विकास, तुम्हारी जगह मुझे तुम्हारी बीवी को नौकरी देनी चाहिए थी। मेरी आंखें उसके चेहरे से ही नहीं हटती। सोचो, चैनल ऑडियंस का क्या हाल होता? गजनी, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ, कहाँ है वो? मेरी बात कराओ उसे। यहाँ आके बात कर लो ना। आमने सामने। मैं वैन भिजवा देता हूँ। और हाँ, अगर पेन ड्राइव नहीं लाए तो बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुर्दे बात नहीं किया करते। विकास, these bastards killed my family. मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ हो जाए, I won't let them touch Anjali. You trust me, Vikas. Let's go, man. Let's go get Anjali back. Anjali, Vic. कैसी? I'm really sorry, Vic. मैंने यहाँ आकर तुम्हारी प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी. तुम यहाँ आई क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो. बस लव सॉन्ग का टाइम नहीं हमारे पास. पेन ड्राइव कहाँ है? अंजलि को छोड़ दो, फिर बता दूंगा. मैं फिर से पूछता हूँ, वेयर इज द पेन ड्राइव? विक, वो जहां भी है इन बास्टर्ड्स को कभी मत देना. क्यों मिस्टर विकास सागर, गुस्सा आ रहा है? तूने मेरा गुस्सा देखा ही कहां? चलो वो भी देख लेते हैं. आज तक गिनूंगा. देखो उसे छोड़ दो, उसे सबसे कोई मतलब नहीं. चार. देखो उसे कुछ नहीं पता, मुझसे बात करो प्लीज. तीन. अंजलि, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है. अंजलि को हाथ मत लगा, यू बास्टर्ड! अंजलि, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, कुछ नहीं. तो मार डालूंगा तुझे, भगवान कसम खलील, मार डालूंगा तुझे. एक. ठीक है, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूंगा. प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज. बहुत देर कर दी,
अगली बार एम करके मारूंगा। स्टॉप, 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 प्लीज। तुम्हें जो चाहिए मेरे जूते में, प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज। चेक इट। आई लव यू डम्बो। इतनी देर क्यों लग रही है? बहुत पाप की है तूने गजनी। डाउनलोड होने में टाइम तो लगेगा ही ना। मैंने न्यूज को बस जरा सा ट्विस्ट किया है विकास, जो तुम भी करते हो, सब जर्नलिस्ट करते हैं। अपने आप को जर्नलिस्ट मत कहो, यू गॉट डैम साइको। तुम सिर्फ एक टेररिस्ट हो। टेररिस्ट नहीं, बिजनेसमैन। टेररिज्म ही मेरा बिजनेस है। लोग मरते हैं और तुम्हारे टीआरपीस बढ़ते हैं। आखिर तुम्हारा ये जिहाद पैसे के लिए ही है ना? सिर्फ पैसा नहीं विकास, पावर। दिस इज द इंफॉर्मेशन एज। न्यूज गवर्नमेंट्स के फैसले तय करता है, न्यूज लोगों के व्यू तय करता है। जरा सोचो विकास, जस्ट थिंक। अगर न्यूज बनाने वाला और न्यूज पहुंचाने वाला एक हो तो जिस तरफ चाहे गवर्नमेंट्स के फैसले बदल सकता है, लोगों के व्यूज बदल सकता है, दुनिया की तकदीर बदल सकता है वो। इट्स डन। Kill them. शौक से। अंजलि, तुम्हें तुम्हारे बीवी और बच्ची के पास पहुंचा दूंगा मैं। अबे साले, पहले ये तो बता कि मैंने तेरे भाई की खोपड़ी में कितनी गोलियां डाली थी। आर्मी वाले हिसाब मांग रहे हैं।
रिपोर्ट विकास. दिस वॉज योर लास्ट क्राइम रिपोर्ट. बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू डाई. अमेरिकन्स का दिया हुआ सुविनियर गोली अब भी अंदर है. अब ये सुविनियर एक हिंदुस्तानी से ले. शादी की तीसरी एनिवर्सरी है या दूसरी शादी की पहली? टर्किश कमांडो फोर्सेस रिजवान खान, जिनकी वजह से ये सच दुनिया के सामने आ सका है, उनको टर्की का सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा है, मेडल ऑफ ऑनर. अल जोहरा और गजनी के खत्म होने के साथ ही वर्ल्ड टेररिज्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत हुई है. इतिहास की सबसे बड़ी ग्लोबल कंस्पिरेसी के और भी बहुत सारे डिटेल्स अबू नाजर की डेड बॉडी के साथ बाहर आ गए. और इस ब्रेकिंग न्यूज पर आज तक से मेरे सारे साथी आपको अपडेट्स देते रहेंगे, पर विकास सागर की तरफ से आज के लिए बस इतना ही. बस यही सोच रहा हूं कि हनीमून के लिए कहां जाए. इस्तांबुल. तुम यहां कैसे आए? हाँ, फिर गलत सवाल. साले. Secrets that I keep, I'm out of luck. What the f? Yeah.
इसमें तो जाए मिशनिस्तान बो Mind it! Superb. Lunch.